हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन जो है वो गेट वाला के चैनल पर आते रहते हैं, जिससे कि आप हर एक तरीके की इन्फॉर्मेशन जो आपसे करियर से रिलेटेड है उससे अवेयर रहो और आप एक वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन रहो। तो जब भी आपको एक डिसीजन लेना हो तो आप उन सारी इन्फॉर्मेशन के साथ हमेशा आप बेस्ट डिसीजन लेंगे। तो गाइज, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो गेट में अपना टारगेट लेके होंगे कि उनको PSC ज्वाइन करना है, बट कई बार होता है कि गेट में उनका अच्छा स्कोर नहीं आता है एक दो साल ट्राई करने के बाद भी। तो कई सारे स्टूडेंट जो है NITs भी ज्वाइन करते हैं, MTech में एडमिशन लेते हैं। तो गाइज, NIT के प्लेसमेंट कैसे रहते हैं ये हमेशा बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं। और कई बार जो बच्चे हैं वो वेबसाइट वगैरह पे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गूगल पे वेबसाइट दिखती है, बट उस पर जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी और मनगढ़ंत होती है। कोई उसके पीछे कोई सोर्सेज प्रॉपर नहीं होता है। इवन अगर वो ऑफिशियल वेबसाइट है NIT की, तब वो आपको एक आप उस पर बिलीव रख सकते हो, अदरवाइज जो अदर वेबसाइट्स है उस पर आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो कई सारे स्टूडेंट जो है रेगुलरली रिक्वेस्ट कर रहे थे, और सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए हम लोग सारे IITs और सारे NITs में ट्राई कर रहे हैं कि जो लेटेस्ट प्लेसमेंट डाटा है वो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए गैदर करके आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करें। ऑलरेडी अभी कई सारे जो RTI रिप्ले हैं वो हमने अप्लाई किए हैं और उसके रिप्ले भी आए हैं। उसके लिए आपको एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, तो वो प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के RTI रिप्ले के इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। गाइज, यहाँ पर अगर हम देखें आज का जो RTI रिप्ले है वो NIT कुरुक्षेत्रा का है। कई बच्चों के दिमाग में रहता है सर NIT कुरुक्षेत्रा के अंदर क्या प्लेसमेंट रहता है, क्या क्या वहाँ पर चीज़ें रहती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने हमारे टीम के द्वारा यहाँ पर RTI लगाया था और वहाँ से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है RTI एक्ट 25 के तहत आप लोगों के लिए यहाँ पर इकट्ठी करी है, जिसमें MTech प्लेसमेंट 2023-24 टिल 36-24। तो गाइज, आप सबको पता है प्लेसमेंट इसके बाद भी चलते रहते हैं, तो यहाँ पे 36-24 जो है उस हिसाब से 23-24 जो लेटेस्ट जो लास्ट प्लेसमेंट सीजन रहा है इसके अकॉर्डिंग क्या प्लेसमेंट रहा है। तो गाइज, जो सिविल इंजीनियरिंग है आप सबको पता है वो MTech के प्रोग्राम जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ये सारे कोर्सेज जो है वो ऑफर करता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन में आप सबको पता है यहाँ पर काफ़ी बच्चे ज्वाइन करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर इनमें काफ़ी बच्चे रहते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में 14 बच्चे जो है वो एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए, जियो टेक्निकल में 9, इन्वायरमेंटल में 18, स्ट्रक्चर्स में 17 और वाटर रिसोर्स में 3। तो गाइज, 14 में से 8 बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है जियो टेक्निकल में, यहाँ पे 9 में से 1 बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में 11 में से 1 बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है, स्ट्रक्चर में 17 में से 9 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है और वाटर रिसोर्स में 3 में से 1 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। तो गाइज, जो एक्चुअल डाटा है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, अगर प्लेसमेंट जैसे अगर मान लो यहाँ पे जियो टेक्निकल ब्रांच का है तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आपको वेबसाइट पे ना मिले, क्योंकि जब डाटा अच्छा होता है तो हमेशा इंस्टीट्यूशंस भी ट्राई करते हैं कि वो अच्छे डाटा को दिखाएं, इस तरीके के डाटा नहीं दिखाएं। बट आप लोगों को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको एक प्रॉपर तरीके से जो है वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको दें, जैसा ही हम लोग RTI रिप्ले अप्लाई वगैरह करके आप लोग लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी गाइस, आपको अदर कौन से इंस्टीट्यूशंस का चाहिए सर, इसका भी RTI रिप्ले आप लगा के बता दीजिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो नंबर ऑफ प्लेसमेंट जो है गाइस, ट्रांसपोर्टेशन इनके परसेंटेज भी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। लोवेस्ट पैकेज जो गया है वो 5.50, 6.755 इसके आसपास गया है, और हाईएस्ट पैकेज जो है वो आपका लगभग अगर आप देखोगे 8 के आसपास सिविल में, 8.5 से लेकर 8 की रेंज में यहाँ पर गया है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 2 कोर्स ऑफर होते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और साइबर सिक्योरिटी। 24 बच्चों में से 10 बच्चे जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, और यहाँ पर अगर आप देखो गाइज, हाईएस्ट पैकेज जो है 35.87 लेके गया है, लोवेस्ट 8.36 गया है। तो कंप्यूटर साइंस का यहाँ NIT में भी आपको सही प्लेसमेंट मिल जाता है, साइबर सिक्योरिटी में भी 10.20 और 7 के आसपास गया है। लेकिन कुछ कुछ ब्रांचेज के डाटा ने मुझे भी शॉक किया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में यहाँ पर हाइएस्ट कंप्यूटर साइंस से भी ज़्यादा 38 यहाँ पर गया है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे लोवेस्ट भी 22.29 के आसपास गया, और 12 में से 6 बच्चे प्लेस यहां पर हुए हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल में भी कंट्रोल सिस्टम का अगर आप यहां पर प्लेसमेंट देखोगे 13 गया है, ऐसे पावर सिस्टम का 15.40, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का 11 हाईएस्ट गया है। मैकेनिकल में प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीन डिजाइन और थर्मल इंजीनियरिंग के MTech के कोर्स ऑफर करते हैं, यहाँ पर 13.16, 15 और 11.70 के आसपास यहाँ पर मैकेनिकल का भी प्लेसमेंट गया है। यहाँ पर फिजिक्स में अगर आप देखेंगे तो इंस्ट्रूमेशन और नैनो टेक्नोलॉजी के कोर्स है, तो यहाँ पर एक बच्चा
दो बच्चे एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर उस हिसाब से प्लेसमेंट लगभग नहीं रहे। VLSI का प्लेसमेंट अगेन अगर आप देखोगे गाइज तो 38 गया, ये भी कंप्यूटर साइंस से हाई है। एम्बेडेड सिस्टम एंड डिजाइन का 38, ये भी कंप्यूटर साइंस से हाई है। और माँ अगर आप यहाँ पर परसेंटेज भी देखोगे तो कंप्यूटर साइंस से ज़्यादा परसेंटेज बच्चों का यहाँ पर पैकेज लगा है। तो इन माई ओपिनियन गाइज काफ़ी ज़्यादा कोर्स जैसे VLSI डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन, ये सब कोर्स भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। स्कूल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड इफिशियंसी का कोर्स भी यहाँ पर 11.20 यहाँ पर गया है। तो टोटल 242 स्टूडेंट्स एमटेक के एलिजिबल थे, 125 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, 51.65 हाईएस्ट जो है वो 38 यहाँ पर गया है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर पूरे ब्रांच वाइज अदर चीज़ें भी इंफॉर्मेशन है, जैसे मीडियन पैकेज, एवरेज पैकेज, तो ये भी आप देख सकते हैं। ये RTI जो वगैरह जो जितनी भी डिटेल्स होती है ये आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर जो मिल जाती है, तो आप लोग टेलीग्राम पर कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट जो इस साल एमटेक में ज्वाइन किए हैं, लास्ट ईयर ज्वाइन किए हैं, सब लोग अवेलेबल हैं और वो लोग भी काफ़ी सारी इनपुट देते रहते हैं। तो आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वहां पर आप डालेंगे तो आपको मिलती रहती है। तो आपको अगर कुछ भी जानना है कि सर NIT कुरुक्षेत्र में क्या प्लेसमेंट है क्या है, तो डेफिनेटली आपको वहां पर आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा गाइज यहां पर देखेंगे, इन्होंने इनको हमने ये भी पूछा था कि मेजर कौन सी कंपनी जो है यहां पर प्लेसमेंट लेने के लिए आई है। तो जो मेजर कंपनी अगर आप यहां पर देखोगे L&T से लेकर टाटा काउंसलिंग इंजीनियर, TCS से लेकर और भी जैसे सेंट गोबिन कंस्ट्रक्शन केमिकल, सीडेक बेंगलुरु जो कंप्यूटर साइंस वगैरह के लिए अच्छी रिक्रूटमेंट करता है इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए, तो यहाँ पर ये आई है। तो बड़ी जैसे डेल टेक्नोलॉजी, फिलिप्स, बहुत सारी कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो ये आपको यहाँ पे जॉन डियर, ये सारी कंपनीज आपके जो मेजर जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया है उनके लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर हमने RTI रिप्लेस है आप लोगों के लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है जो एक्चुअली में वेबसाइट वगैरह पर प्रॉपर अवेलेबल नहीं रहती है। और कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होता है जब वो एमटेक में एडमिशन लेते रहते तो उस टाइम पर वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन से ब्रांच का प्लेसमेंट मेरे लिए सही रहेगा, कौन सा ऑर्डर डिसाइड करूँ। दैट्स व्हाई हम लोग का टारगेट है कि हर एक IIT, हर एक NIT का GATE 25 से पहले आपके लिए सारा डाटा जो है वो ऐसे प्रोवाइड कर दे कि लास्ट सीजन का क्या प्लेसमेंट है, तो आप जब आपको डेफिनेटली नीड हो तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। क्या आप लोग चाहते हो ऐसा होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके करियर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, इन्फॉर्मेशन है और भी जो डिटेल है वहाँ पर मिलती रहती है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट और किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।